बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम यहाँ पर सुरानी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं सुरानी फूड किचन। आज हम बनाएंगे चटनी, ऐसे चटनी कि इंशाल्लाह एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आपके दस्तरखान को चार चांद लगाएंगे और मेहमान भी खुश होंगे और ईद भी आने वाला है, बड़े ईद बकरे का ईद। बिल्कुल गोश्त के साथ खाओ, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। इसलिए हम हल्के आँच लगाएंगे, उसके ऊपर हम इसको हम डाल देंगे 2 टीस्पून खुश्क जीरा, साबित लाल मिर्च 8 अदद, थोड़ा सा मेथी दाना 1/2 टीस्पून से कम, हम शामिल करेंगे तेज़पत्ता 2 अदद और दालचीनी टुकड़े। हम इसको थोड़ा पकाएंगे स्लो आंच पे, इसका थोड़ा रंग तब्दील हो जाए और अच्छी तरह पक जाए। हमारे साथ रहिए, वीडियो आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल का बटन दबाइए कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। अब मसाला हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, हम इसके लिए रख देंगे हल्का आंच लगाएंगे। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 3 टीस्पून ऑयल। अब मसाला हमारा कुकिंग में बिल्कुल रेडी है, हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 15-20 अदद लहसुन छोटे छोटे टुकड़े। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज 3 अदद, दरमियाना से हमने प्याज लिया है, इस डिजाइन में काटा है। तो 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। मसाला हमारा प्याज बिल्कुल रेडी है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे और जग ब्लेंडर में डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस, लेकिन बड़ा सा नींबू, अगर आपके साथ छोटा नींबू है तो 2-3 अदद डाल दें। इसमें शामिल करेंगे 1/2 गिलास पानी। हम हमारा प्याज बिल्कुल रेडी है, हम फिर फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे सरसों का तेल 3 टीस्पून। सरसों के तेल में हम शामिल कर लेंगे 1/2 टीस्पून कलवांजी, 1/2 टीस्पून राही दाना, 1/2 टीस्पून साबित जीरा, 1/2। अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज,
माशाल्लाह अभी से किया खुशबू आ रहा है। ईद के दिन गोश्त के लिए ज़रूर ये चटनी बनाइए और मज़े लीजिए, ज़बरदस्त टेस्टी चटनी है। ये चटनी आपके दस्तरखान में चार चांद लगाएंगे और हजमेदार भी है, गोश्त बहुत जल्द गल जाएगा पेट में इंशाल्लाह। अब लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च हम इस्तेमाल करेंगे हाफ टी स्पून। अब इसमें डाल देंगे जो पहले हमने मसाले बनाया है वो हम डाल देंगे इसमें। अभी इसमें हम नमक शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। अब हाथ पे ज़रूरत डाल सकते हो। अब माशाल्लाह हमारा चटनी बिल्कुल रेडी है आपके सामने, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। माशाल्लाह हमारा चटनी बिल्कुल रेडी है, बहुत खूबसूरत बन रहे हैं, बहुत खुशबू आ रहा है, बहुत टेस्टी है। अगले वीडियो तक हमको दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।